आज हेमू कालानी जी के स्मारक प्रांगण श्री अगरसेन कन्या इंटर कॉलेज के सामने मेदागिन वाराणसी में हेमू कालानी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण एवं हेमू कालानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा जी के साथ मंत्री विकास सिंह यदुवंशी, दिनेश अग्रहरि, मनीष मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, सदस्य मनीष वर्मा, राजन चौरसिया, मंडल संयोजक करण विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश, मंडल महामंत्री शैलेश शर्मा, मंडल के अंतर्गत सभी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश ने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालानी जी जैसे वीरों को आज का युवा वर्ग केवल कार्यक्रमों में याद रखने पर सीमित ना रखे बल्कि अपने दैनिक जीवन में उनके विचारों को स्थान दे। मैं कुश कुमार पांडे इस समय वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र पर उपस्थित हूँ और हिंदू युवा वाहिनी संगठन एक ऐसा नाम है जिसे कि पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश चित परिचित है और यहाँ पर मैदागिन पे जो है इसके मंडल अध्यक्ष शिवांशु यादव जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार से गणतंत्र दिवस पर यहाँ आयोजित कर रहे हैं गए हैं इसका आज हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा राष्ट्र आज़ाद है, वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तो इनका हमें लाभ केवल इनके कार्यों की वजह से मिल पाता है और हमें इन्हें भूलना नहीं है और इन्हें केवल सार्वजनिक पटलों एवं किताबों तक स्थित नहीं रखना है, सीमित नहीं रखना है। इनके विचारों को हमें दैनिक जीवन में स्थान देना होगा। साथ ही जो आपने बोला कि युवा वर्ग मोबाइल में व्यस्त रहता है तो मोबाइल में व्यस्त रहे, वो हमारा संसाधन है, बस उसका सही उपयोग हो। सार्वजनिक पटलों का उपयोग आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावी प्रक्रिया भी हो चुकी है आज के माध्यम से। हो सकता है, बड़ी बात नहीं कि आचार संहिता के अंतर्गत नियमों में डिजिटलीकरण के अंतर्गत चुनावी जो सभाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं वो मोबाइल और लैपटॉप जैसे माध्यमों से हो रही हैं तो उसको ख़राब नहीं बोला जा सकता अपितु तो उसका सही उपयोग हो। ख़राब नहीं, जैसे कि आज के यूथ जो है हेमू कल्याणी जी को, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों को लोग भूल रहे हैं, इस विषय पर आप बस एक नए यूथ को आप अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए। मैं निवेदन संदेश नहीं बल्कि निवेदन और आग्रह करूंगा कि हेमू कालानी जी जैसे वीरों को केवल किताबों तक सीमित न रहने दें। हम लोग उनके बारे में एक दिन के लिए जानते हैं, जयंती पुण्यतिथि और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस उन्हें याद करते हैं, फिर दूसरे दिन अपने जीवन में लग जाते हैं। ऐसा न करते हुए हम उनको अपने जीवन में उनके विचारों को उतारें, क्या माहौल रहा होगा उस 1942 के सन में, हमारे राष्ट्र में क्या स्थिति रही होगी, राष्ट्र की आज़ादी के लिए केवल आवाज़ उठाने पे फांसी चढ़ा दिए जाते थे लोग। उस ज़माने में उन लोगों ने अपने आवाज़ को ही नहीं बल्कि अपने समाज को लेकर के वो लोग आगे बढ़े और मजबूती से आगे बढ़ते हुए वो लोग अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर गए, फांसी के फंदे को उन्होंने चुमा। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उन्हें केवल किताबों तक सीमित न रहने दें, उन वीरों को अपने उनके विचारों को अपने दैनिक जीवन में स्थान दें। ये तो बात होगी शिवांशु जी, गणतंत्र दिवस की आने वाले विधानसभा 2022 में हिंदू युवा वाहिनी का क्या रोल रहेगा बीजेपी के लिए? जैसा कि आपने स्वयं ही बोल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात होगी आपके मन में कि नहीं बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी में क्या कनेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती है और हिंदू युवा वाहिनी के जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम सभी कार्य करते हैं। संगठन से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हीं पे हम लोग आगे बढ़ करके काम कार्य करते हैं। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ होती हैं उन्हें हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। शिवांशु जी, आज गणतंत्र दिवस पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजित यहाँ पर कर रहे हैं? हम सभी हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कालानी मंडल अध्यक्ष के मंडल के अंतर्गत हम सभी यहाँ आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं और ये प्रांगण एक राष्ट्र के वीर के नाम पर है, हेमू कालानी जी जिनकी प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों का परित्याग राष्ट्र के लिए किया था, जिस समय 1942 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वीरों के नाम पर हमारे मंडल का निर्माण हुआ है
और मैं सदैव आभारी रहता हूँ अपने संगठन के पदाधिकारियों का, वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे वाराणसी मंडल प्रभारी श्री अमर सिंह भोला जी, महानगर अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, हमारे मंडल के प्रभारी विकास सिंह यदुवंशी जी, सभी का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे वीरों के नाम पर हमें मंडल का निर्माण करके प्रदान किया गया है। और हम सभी का परम सौभाग्य रहता है कि इस मंडल के अंतर्गत हम सभी महत्वपूर्ण हिंदू समाज के लिए कार्यक्रम कर पाते हैं। राष्ट्र के योगदान में जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य होते हैं उन्हें हम कर पाते हैं। आज हम सभी ने स्मारक प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया और हेमू कालाणी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। जैसा कि शिवांशु जी, आप भी नए जनरेशन के यूथ हैं और बाकी जनरेशन आजकल जो है हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, धीरे धीरे हमारे जैसे हेमू कल्याणी जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद को लोग भूल रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को? युवा वर्ग से हमारा सदैव निवेदन रहता है और आज मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से फिर से निवेदन करता हूँ कि जैसे कि एक पीपल का पेड़ होता है, अगर वो अपनी जड़ को भूल जाए या उसकी जड़ को काट दिया जाए किसी भी तरीके से, तुष्टिकरण करके या कोई भी कार्य से, गतिविधियों से, तो उसका इतिहास, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप अपने आधार को भूल जाते हैं। तो हेमू कालाणी जी जैसे वीर, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे वीर, सुभाष चंद्र बोस जी, वीर सावरकर मंडल, ये वीर सावरकर जी जैसे लोग हमारे लिए आधार हैं। ये जो कार्य करके गए हैं इसका आज हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा राष्ट्र आज़ाद है, वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, तो इनका हमें लाभ केवल इनके कार्यों की वजह से मिल पाता है और हमें इन्हें भूलना नहीं है और इन्हें केवल सार्वजनिक पटलों एवं किताबों तक स्थित नहीं रखना है, सीमित नहीं रखना है। इनके विचारों को हमें दैनिक जीवन में स्थान देना होगा। साथ ही जो आपने बोला कि युवा वर्ग मोबाइल में व्यस्त रहता है, तो मोबाइल में व्यस्त रहे, वो हमारा संसाधन है, बस उसका सही उपयोग हो। सार्वजनिक पटलों का उपयोग आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावी प्रक्रिया